7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह से भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने बैठक की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब के सुजीत कुमार जैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ उसमें खास रहा है? खास बैठक में पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। आज 2-3 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान अहदेदारों के घर जो घेरे हुए हैं, अब शब्दावली बरती जा रही है, कहीं गोवा डाला जा रहा है, कहीं कैसा हो रहा है, और टॉर्चर जो है, हरासमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आज पंजाब के अंदर तहस नहस हुई पड़ी है। कैप्टन साहब सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो इसलिए हमने ये बात कह के आए हैं गृह मंत्री जी से भी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब की स्थिति को देखा जाए, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, तो ये उनको हम नॉलेज में दे के आए हैं। उनका इसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन? वो तो उन्होंने अपना अपनी बात रखनी होती है, पता उनको सब होता, पर अगर हम जाके अपनी बात रखेंगे भी तभी कोई बात पड़ेगी, किसी को कोई तकलीफ होती है तो अपने जिस अहदेदार जिसके पास मतलब राइट होता है उसके पास जाके करना पड़ता है। तो होम मिनिस्टर जो है वो देश के होम मिनिस्टर है और उन्होंने इस चीजें देखनी होती है। हम उनको बोल के आए भी पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करो, और कल को कोई भी कैसी भी घटना हो सकती है तो उसकी जिम्मेवारी जो है कैप्टन पे फिक्स हो, और ये जत्थेबंदियां जो स्टेज पे अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लीडरों का घेरा डालो, आप घर घेरो, इस तरह से कोई भी मतलब ये बात अच्छी नहीं है। ये अपने पहले हमने कह दिया आप दिल्ली आ गए, दिल्ली आपके बात रखी गई तो भारतीय जनता पार्टी और वहां कार्यकर्ताओं को हरासमेंट करने का या ऐसी बात करने की कोई शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं देती। और किसान की जो समस्या है जत्थेबंदियां हल करना ही नहीं चाहती, इनकी नीयत ही नहीं है कि किसान का भला हो, ये तो अड़ी करके कि कानून वापस हो, कानून का क्या लेना देना है, जो किसान की समस्या है, किसान आज कर्जे में है, वो सब बातें करो जो किसान की समस्या हल हो सके। सर, ये बैठक गृह मंत्री के साथ आपकी केंद्र सरकार और किसानों की बैठक से एक दिन पहले हुई है, कुछ ही घंटे पहले हुई है, तो किसानों को लेकर कुछ चर्चा हुई है? किसानों की चर्चा तो ये है भी किसी तरह से हो किसानों को झूठ मार के यहाँ सड़कों पर लाया गया है, आप किसी तरह से इनको वापस भिजवाओ तो ये अपने अपने घरों को जाए, सर्दी पड़ रही है, बीमारी भी है, हम किसानों के साथ हैं, हमें किसानों का दुख है, और किसानों के कंधों पे कोई और चला रहा है उसको देख के ध्यान में, और किसानों का मसला जैसे भी हो इनको वापस भेजा जाए घर। सर, 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे भी रैली के किसान बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? क्योंकि ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा गणतंत्र दिवस पे अगर रैली करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ समझदारी थोड़ी है? ये जब आप इतने इकट्ठे आ गए, सरकार को पता चल गया, सरकार आपकी बात मान रही है, रेगुलर मीटिंग हो रही है, उसके बाद आप अनाउंस कर रहे हो ट्रैक्टर रैली करो, क्या इसमें ट्रैक्टर रैली से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्या? उल्टा इसमें क्या कि दिल्ली के लोग जो आम आवाम लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या हम लोगों को परेशान करने हैं क्या? लोग कौन है, किसके लोग हैं? हमारे लोग हैं। गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी बैठक हुई है वो दो दिन पहले, और इसके साथ ही राजनाथ सिंह से और नरेंद्र सिंह तोमर से भी बैठक हुई है, तो इन दो बड़े नेताओं से बैठक में क्या चर्चाएं हुई? देखो, बैठक में हम तो किसानों की चिंता करके बैठक कर रहे हैं, अब 1.5 महीना से दिल्ली है, 2-1.5 महीना इनके वहां पीछे पीछे जत्थेबंदियों का हम फिरते रहे, आओ यार बात करो, हम करवाते हैं, ऐसे कर लेते हैं जो समस्या है, और वहां से जब चले थे जितनी समस्या लेके चली सरकार ने कैदल कर देते हैं, फिर बात क्या रहेगी? हम तो इन किसानों की जो सड़कों पे बैठे हैं उनकी चिंता करते हुए घूम रहे हैं, हमें कोई इसमें कोई कुछ वो थोड़ी बात है, हमारे किसान है, हमारे ही हैं, वो हमारे गांवों से आए हैं, हमारे शहरों से आए हैं, हमारे लोग हैं, और ये झूठ मार के ये यहां लोगों को ले आए, अब लोग वापस कैसे जाएं, हम तो ये चिंता करते हैं। सर, आखिरी बार कब आपकी किसी किसान नेता से बातचीत हुई? बात करते नहीं, वो तो बंद करते, हमारा फोन ही नहीं उठाते, हम उनको कोई कहते, उनको चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है किसी बात की भी, किसानों को हम घर वापस भेजे, हम फैसला कर, करना ही नहीं चाहते, वो फैसला करना चाहे किसान के हित की तो आधे घंटे में फैसला हो जाए। देखो, बातें पहले होती थी, जब बात माननी नहीं, हमने ये हमारे को ये समझ आ गई कि ये फैसले पे आने वाले है ही नहीं, एक एड़ी है कि बिल जो है कानून वापस हो, अरे कानून तुम आप किसानों के हित के लिए आए हो, आप सरकार से ये जिद क्यों कर रहे हो, आप किसान के भले की कोई बात करो, किसान के भले के लिए जिद करो ना, कोई मतलब जो कर्ज है उसकी बात करो, अगर कोई अच्छा बीज ना मिल रहा हो और कोई पानी की इरीगेशन की बिजली की जो किसान की मेन मूल समस्या है उन पे बात करो, उन पे नहीं करनी, बस अड़ी डाल के बैठे हैं अभी, नीति नहीं है अभी फैसला हो, ऐसी बात है। सर, आपने कुछ मीडिया हाउसेस को ये भी बयान दिया है कि जो किसान है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तो लग रहा है, जो फैसला क्यों नहीं करना चाहते, उनकी नीयत ही है कि हमें पकड़ के अंदर करें और लोगों को यहाँ से खदेड़ा जाए, हम 4 महीने बाद पंजाब में जाएं, हमें माड़ा डले, हम पार्टी बनाएं और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, काशीराम ने किया मायावती बन गई, ऐसे हमारे हो जाए, ये नीयत इनकी ऐसी है,
और बातें भी आ रही है अंदर से, ऐसी बात है। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के भाजपा नेता सुरजीत सिंह जानी, जिन्होंने बताया कि गृह मंत्री से बैठक के में उन्होंने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की है, और इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पंजाब के जो किसान नेता हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि इस मुद्दे का कोई हल निकले।